मोमोज़ हैं भाई, पर मोमोज़ का साइज़ चेक करो। और जो जो मोमो लवर है ना, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि इतना बड़ा मोमोज़ देख के तो भाई सबके मुँह में पानी आ ही जाएगा। हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई फूड क्रश, एंड वी आर बैक विद आर न्यू वीडियो। सो गाइज, मैं अभी हूँ तिलक नगर के अंदर जेल रोड पे, और आज हम जा रहे हैं द टमी सेक्शन पे। तो चलो अब चलते हैं टमी सेक्शन पे। वॉकिंग डिस्टेंस से तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से, और मैं भी अपनी इंटर्नशिप से आया था और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं और सौरभ जाएँ और जाके वहाँ पे टमी सेक्शन का फूड रिव्यू करके आएँ। तो चलो यार, अब चलते हैं वहाँ पे, और आपको पहुँचने के बाद वहाँ के दिखाते हैं मेन्यू और बाकी सारी चीज़ें भी बताते हैं। गाइस, हम पहुँच गए टमी सेक्शन पे, और मेरे सामने अभी टमी सेक्शन जेल रोड वाला, और इनके और भी बहुत सारे आउटलेट हैं। तो चलो यार, अपना ऑर्डर देते हैं और ऊपर जाके बैठते हैं, उन्होंने ऊपर सिटिंग भी बना ली है। तो चलो यार, फटाफट से ऊपर चलते हैं। तो गाइस यहाँ देखो, एकदम भीड़ लगी हुई है, लोग एकदम खाने में लगे हुए हैं। भाई जो टमी सेक्शन है, वैसे तो अपने चिकन के लिए फेमस है, बट यहाँ के मेरे को वेज मोमोज भी बहुत अच्छे लगे। बाकी अगर आपको चिकन ट्राई करना है तो भाई बेस्ट जगह है ये। भाई मैंने अपना ऑर्डर कर दिया है, तो चलो यार वो किचन में लेके चलता हूँ और उन सबकी मेकिंग दिखाता हूँ। आज हमारा सबसे पहला जो आइटम है, जो आज हमने जिसकी मेकिंग करवाई है इनसे भाई, वो है चिकन शॉर्मा। और आप देखो भाई कितना बल्क में चिकन है। और मेरे को पता है यार, ज़्यादातर ऑडियंस मेरी वेज है और उनको चिकन पसंद नहीं है, तो यार मैंने टाइम स्टेप्स लगा दिए हैं, तो आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो और आप सीधा वेज का रिव्यू देख सकते हो, वेज की मेकिंग देख सकते हो। और गाइज, एक वीडियो मैंने इसकी पहले ही बना रखी है, तो आई बटन के अंदर है, उसके अंदर ऑलमोस्ट शायद वेज की ही मेकिंग है, एक सिर्फ चिकन के आइटम की है। बट इस वाले वीडियो के अंदर चिकन के आइटम की मेकिंग मैंने थोड़ी ज़्यादा लगाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल कमेंट आ रहे हैं थोड़ा चिकन भी ट्राई करो। मतलब ट्राई तो मैंने नहीं करा, ट्राई सौरभ ही करेगा। तो बस अगर आपको चिकन से कोई दिक्कत है, तो मैंने इसलिए टाइम स्टेप्स लगा दिए, आप वो पार्ट स्किप कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो यार, ये हमारा चिकन शॉर्मा तो बन के रेडी हो गया है, तो चलो यार अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है। सो गाइज, अब हमारे बन रहे हैं चिली चिकन मोमोज, और ये फुल के अंदर आपको 6 पीसेज मिलेंगे, हाफ के अंदर आपको मिलेंगे 3 पीसेज। चिली चिकन मोमोज हमने हाफ इसलिए लिए हैं क्योंकि सौरभ भी सिर्फ खाने वाला है, और अगर हम फुल लेते तो वेस्ट हो जाता। सो ये अब इसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल्स डाले, और इनकी शेजवान सॉस है, रेड चिली सॉस मान सकते हो। जो सॉसेज हैं सारी अपनी अपने आउटलेट पे बनाते हैं, कुछ भी ऐसा बाहर का यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइस, जो हमारे मोमोज हैं वो फ्राइड हो चुके हैं, डीप फ्राई करने के लिए डाला था इन्हें। सो अब इसको ऐड करा जाएगा इनके अंदर, हमारे इस कढ़ाई के अंदर, और इनको मतलब अच्छे से मैरिनेट किया जाएगा, मिक्स किया जाएगा इसमें। और गाइस कैसा लगा ये स्लोमो, मेरे को फटाफट से कमेंट करके बताना। और हमारे चिली चिकन मोमोज हैं वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं, और मैं तो यार चिकन खाता नहीं, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बट कोई नहीं, मैंने फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो शूट करी दी। तो इसके बाद थोड़ी सी और वेजिटेबल्स से हरे पत्ते ऐड किए जा रहे हैं। तो अब हमारा बन रहा है चिकन लॉलीपॉप, और चिकन लॉलीपॉप जो इसके अंदर आपको 4 पीसेज मिलेंगे। प्राइसेज जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। ये भी पहले डीप फ्राई होगा, सो अब ये डीप फ्राई हो चुका है, इसलिए इसको बाहर निकाला जा रहा है। गाइस, टमी सेक्शन ना मेनली अपने चिकन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो अगर आपको अच्छा चिकन खाना है, अच्छी क्वालिटी का, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी वेज भी इनका बहुत अच्छा है, मेरे को तो यहाँ के मोमोज मैं बहुत बार खा चुका हूँ, और मैंने एक बार पहले भी इसलिए व्लॉग बनाया था, और काफ़ी बार मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी डाल चुका हूँ, और रिसेंटली मैंने इनकी एक रील भी डाली थी, तो उसमें भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया था। वैसे चिकन लॉलीपॉप है हमारा, इसको एक क्रीम में डिप कर रहे हैं, और ये भी इनकी सेल्फ मेड क्रीम है। सो गाइस, इसको 4 पीसेज मिलेंगे आपको, चारों के चारों पीसेज को इसके अंदर डिप करेंगे, और बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है ये भाई, बहुत सही टेस्ट होता है इसका। मतलब मैंने नहीं खाया मतलब सुना है मैंने ऐसा लोगों से, और भाई इनके रिव्यूज़ जो है मतलब जेन्युइन ही है सारे। और बाकी क्षेत्र ने पिछली बार ट्राई करा था, उसने भी ये बताया था कि भाई जो टेस्ट है भाई बहुत औसम होता है इनका। बाकी इसके अंदर ये अनियन ऐड कर दी गई है, और ऊपर से थोड़ी ये ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे प्याज के ऊपर। तो बाकी अब हमारा जो है आइटम रेडी हो गए, अभी हमारे वेज आइटम की जो मेकिंग है वो स्टार्ट हो गई है, और ये हमारा वेज फ्राइड राइस शोरियो। तो अभी ये जो फ्राइड राइस हैं, ये इसको इसके अंदर डालेंगे, और इसको माइक्रोवेव करने के लिए रख देंगे 1 मिनट के लिए। सो गाइस, अभी माइक्रोवेव हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या करने वाले हैं। तो अभी तो जाएगा माइक्रोवेव के अंदर, तो गाइस रेडी है माइक्रोवेव में जाने के लिए, और भी इसको रख दिया माइक्रोवेव के अंदर, और वही 1 मिनट का टाइमर लगाया जाएगा, और 1 मिनट बाद इसको बाहर निकाल लिया जाएगा। तो गाइस, हमारे जो चावल हैं फ्राइड राइस वो माइक्रोवेव हो गए हैं, और अब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करी जाएंगी। वैसे जो अब इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये इनका पनीर शोरियो है, और ये प्योर वेज होता है, और जो इनका चिकन और वेज बनाने की जगह है भाई, वो अलग अलग है। मैंने पिछली बार वीडियो में बात बताई थी कि ये चिकन और वेज जो है दोनों अलग अलग जगह बनाते हैं, तो आप मतलब आराम से अपने खाने को इन्जॉय कर सकते हैं। कि जैसे मैं एक वेज हूँ भाई, मैं नॉन वेज नहीं खाता, तो भाई मेरे लिए तो बढ़िया चीज़ है ये, कि ये मतलब जो यूटेंसिल्स हैं वो भी अलग यूज़ करते हैं, इनकी वेज और नॉन वेज की जगह भी अलग है, और मेरे ख्याल से शेफ़ भी अलग अलग हैं। सो गाइस, बिल्कुल डर नहीं, कोई बात नहीं, आप आराम से खा सकते हो। तो जो हमारा वेज शोरियो राइस है, ये भी कंप्लीट होने वाला है, इसके अंदर अब ये जो है थोड़ी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। लेटेस है,
और गाइज़ इसके साथ मैंने क्रंची पनीर मोमोज़ भी लिए हैं भाई, जो मेरे फेवरेट हैं यहाँ के। अगर आपको उसकी मेकिंग देखनी है तो मैंने पुरानी वाली वीडियो के अंदर उसकी मेकिंग ऐड कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ फूड रिव्यू देखना है तो इस वीडियो में मैंने उसका फूड रिव्यू कर रखा है। और गाइज़ हमने और भी आइटम लिए हैं बट मैं सबकी मेकिंग नहीं लगाई क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है और बहुत बिना बात की वीडियो लंबी हो जाती है और मेरे को पता है कि आप लोग फिर बोर हो जाते हैं, इसलिए भाई मैंने सिर्फ आपके काम की चीज़ें लगाई हैं वीडियो के अंदर, जिसको देख के आपके मुँह में पानी आएगा भाई। अब इसके अंदर चुकंदर ऐड होना शुरू हो गया है, बाकी सारी वेजिटेबल्स भी उसमें ऐड हो गई हैं, सॉसेज ऐड कर दी गई हैं, एकदम माइक्रोवेव्ड है। सो यार रेडी हो गया, अब चलते हैं सब आइटम्स का फूड रिव्यू करने। सो गाइस हमारे सारे ऑर्डर बनके रेडी हो गए हैं और एक बार आप लोग ऑर्डर चेक करो भाई। ये हमारे पनीर शोरियो फ्राइड राइस, इसके अंदर ये पनीर शोरियो डाल रखा है गाइस। देखो फ्राइड राइस के साथ में बहुत सारी वेजिटेबल्स दी हैं साथ में, ये हमारे चुकंदर है, टमाटो है, लेटस और इसके नीचे अनियन भी रखी हुई है। सो वो गाइस जिन सबका प्राइस है डिस्क्रिप्शन में मेंशन आपको दिख जाएगा और वीडियो में भी हमने मेंशन कर रखा है गाइस। ये जो है हमारे, ये हमारे क्रंची पनीर मोमोज़ हैं भाई। एक बार मोमोज़ का साइज़ चेक करो, और जो जो मोमो लवर है ना फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि इतना बड़ा मोमोज़ देख के तो भाई सबके मुँह में पानी आ ही जाएगा। मेरा तो मन कर रहा है अभी पूरा मोमोज़ खा जाऊँ। और गाइस ये हमारा चिकन लॉलीपॉप है, और आपको पता है मैं चिकन तो खाता नहीं हूँ, तो इसका फूड रिव्यू आपको सौरभ करके दिखाएगा गाइस। ये हमारा क्रंची पनीर शोरियो है और इसके अंदर आपको मिलेगी पनीर की फिलिंग। मैं एक बार आपको फिलिंग दिखाता हूँ गाइस, ये देखो और फिलिंग चेक करो, एकदम क्रंची है ये हमारा, तभी इसका नाम है क्रंची पनीर शोरियो। और ये जो है हमारा नॉनवेज आइटम है, नॉनवेज शॉर्मा है ये, इसको भी सौरभ ट्राई करेगा। और गाइस ये हमारे चिली चिकन मोमोज़, बराबर इसमें भी मोमोज़ का साइज़ देखो भाई, कितना बड़ा मोमोज़ है। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है मोमोज़ की, दो वैरायटी तो हैं और ये चिकन वैरायटी है और ये चिली चिकन, जो इसका ही प्राइस है डिस्क्रिप्शन अंदर मेंशन है, वहाँ से चेक कर लेना। सो गाइस मोमोज़ तो आपने देख लिए, हमारे सारे आइटम देख लिए। और ये आज हमने दो ड्रिंक्स भी लिए हैं यहाँ पे टमी सेक्शन में, ये हमारी हवाइन फायर और ये हमारी कोकोलो का। सो गाइस अभी हम ये सब जो हमने लिया है अभी सिर्फ इसको ट्राई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अगर हमें और भूख लगेगी तो हम और कुछ भी मंगवाएंगे। बाकी हमारी ट्रे रेडी है और मैं भी रेडी हूँ इन सबको खाने के लिए, और सौरभ भी एकदम रेडी है भाई, बहुत भूख लग रही है, बहुत मेहनत करी है आज हमने। चलो यार इसको खाना शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्लाइट राइड से। भाई इतनी देर बाद कुछ खाया, सुबह से खाली थे हम, खाली पेट थे हम दोनों भाई, बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका। उसके अंदर सॉसेज डाली इन्होंने भाई, अलग ही टेस्ट आ रहा है। पनीर भी जो है इनका भाई एकदम फ्रेश है, तो उसके एक और बाइट लेते हैं। मस्त है भाई। तो चलो भाई सब ट्राई करते हैं अपने क्रंची पनीर मोमोज, एक बार इसको तोड़ते हैं और इनकी फिलिंग चेक करते हैं। गाइस ये देखो पनीर से ओवरलोडेड है और बहुत ज़्यादा क्रंची भी हैं भाई, ये देखो क्या शानदार लग रहे हैं। तो उसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं, और ये मायो के अंदर मैंने डिप कर लिया। गाइस ये बेस्ट मोमोज है, अगर आप टमी सेक्शन आओगे ना तो क्रंची पनीर मोमोज तो बिल्कुल ट्राई करने ही करने हैं आपको, और बहुत ज़्यादा क्रंची है, पनीर की फिलिंग से ओवरलोडेड है ये भाई, अमेजिंग है। मतलब अब तक मैंने बहुत ज़्यादा मोमोज ट्राई कर रखे हैं बट टमी सेक्शन के मोमोज ने भाई दिल जीत रखा है मेरा, और मेरे घर में भी सबको भाई मोमोज बहुत ज़्यादा पसंद है भाई, बहुत गजब का टेस्ट होता है इनका। इसकी भी एक और बाइट ले ही लेता हूँ, इस बार बिना मेयोनेज़ के खा के देखते हैं इनको। बहुत ऑसम टेस्ट है, बहुत ज़्यादा क्रंची है और मज़ा आ गया। हमने अपने दो आइटम तो ट्राई कर लिए वेज के, अब अपना क्रंची पनीर शोरियो ट्राई करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्रंची लग रहा है अभी मेरे को। भाई बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग है, बहुत ज़्यादा क्रंची है, एक नंबर टेस्ट है भाई इसका, अगर मैं बोलूँ तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने तीन आइटम ट्राई करे, तीनों मेरे को बहुत पसंद आए भाई वेज के, तो मैंने तीन आइटम ट्राई करे और मेरे को लग रहा है एक आइटम हमें और ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम दो जने वेज खाने वाले हैं और भाई मेरे को लग नहीं रहा इसमें पूरा पड़ेगा। गाइस इनके आइटम है बहुत टेस्टी है, भाई एक नंबर है वेज के आइटम्स। तो अपने नॉन वेज के आइटम बचे हैं, ये सौरभ आपको रिव्यू करके बताएगा, और मैं अपनी जो मैंने ड्रिंक मंगवाई है मैं इसको भी एक बार रिव्यू करके बताता हूँ आपको। भाई ये भी बहुत रिफ्रेशिंग है, थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी जैसा टेस्ट है इसका भाई। मेरे को तो अपना वेज का आइटम और ये अपनी ड्रिंक एकदम परफेक्ट लगी, प्राइसेस जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिल जाएंगे आपको, तो अब सौरभ जी आपको एक बार नॉन वेज का रिव्यू करके बताएगा। हे गाइस तो कैसे हो आप लोग, तो चैनल पे तो काफ़ी बार देखा होगा आपने मेरे को, और बाकी बातें मैं बाद में करूँगा, पहले करते हैं रिव्यू। चलिए पहले करते हैं इसका
चिकन लॉलीपॉप का रिव्यू भाई, बढ़िया लग रहा है देखने में। तो भाई एक नंबर, क्रीमी है, जूसी है, फ्लेवर बहुत बढ़िया है इसका भाई, क्रंची भी है, बहुत सेक्सी। सारे खा जाऊंगा, चारों खा जाऊंगा। और भी चीजें रिव्यू करनी है, पहले पहले शॉर्मा रिव्यू कर दे, फिर जो मर्जी चाहिए हो। रुक जा, चिकन लॉलीपॉप ट्राई करा, काफी अच्छा लगा, चलो शॉर्मा ट्राई करते हैं। बढ़िया है, चिकन जूसी है भाई एकदम, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, थोड़ा सा स्पाइसी है पर काफ़ी अच्छा टेस्ट है। आओ मोमोज की तरफ चलते हैं थोड़ा, देखो भाई मोमोज का साइज़ देखो कितना बड़ा है, साथ में छोटा वाले उठा लिया, पर बाकी जो दो पड़े हुए हैं काफ़ी बड़े हैं, ये खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए चिकन भाई साहब भरा पड़ा है बिल्कुल, दबा दबा के। चलो ट्राई करते हैं इसे भाई, थोड़ा स्पाइसी है, काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल रखी हैं, ठीक है, बस बहुत सही है। एक और खा के देखता हूँ, बहुत सही भाई। सो गाइस हमने सारा खाना ख़त्म करने की कोशिश करी पर हमारा पेट जो एकदम भर गया यार, तो मतलब सौरभ भी ओवरलोडेड हो गया, मैं भी एकदम ओवरलोडेड हो गया हूँ, थोड़ा बहुत हमारा खाना बचा रहा, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं उसे ख़त्म करने की, और साथ में हमने फ्राइज भी ऑर्डर कर दिए हैं। हाँ भाई ख़त्म कर इसको, क्या बोल रहा था, चारों के चारों खा जाऊँगा। अब इसकी हालत ख़राब हो रही है चारों ख़त्म करने में, इतना हैवी है भाई, बट हंसने में लगा है, हंस के दिखा दे अब। भाई देखो मैंने अपने मोमोज़ ख़त्म करने की पूरी कोशिश करी, और इसके चिकन शॉर्मा रखा है यहाँ पे, इसका आधा खाया हुआ मोमोज़ रखा है, और यहाँ पे इसकी ड्रिंक रखी हुई है, इसने तो अपनी ड्रिंक पूरी पी ली भाई, मेरी ड्रिंक बची हुई है। जो मैंने ये सब खाया भाई, मेरा तो ऑनेस्टली भी यही है कि मोमोज होते भाई बहुत बढ़िया थे। सौरभ थोड़ा घबरा रहा था रिव्यू देने मोमोज़ का, बट वो बाद में कह रहा है जो चिली चिकन मोमोज थे इनके भाई बहुत औसम थे मोमोज तो, और जो चिकन विंग्स अभी ये खा रहा है भाई वो भी बहुत बढ़िया थे भाई। जो मेरी ड्रिंक है भाई, ड्रिंक तो एकदम ओपी है भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया था, हमें हर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, और अभी हमने जो प्राइस मंगाया है यार पता नहीं कैसे ख़त्म होंगे, तो चलो यार उसका वेट करते हैं, और बाकी हम देखते हैं कि अब क्या करना है इसका, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, दो तीन किलोमीटर पैदल चलेंगे फिर घर जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा खा लिया है आज हमने। सो गाइस ये हमारे फ्राइज़ आ गए हैं, और इसकी मेकिंग में शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था सब कुछ खाने के बाद, तो भाई इसके अंदर फ्राइज़ डाल रखे हैं, पेरी पेरी सॉस डाल रखे हैं, थोड़े से ऊपर से वेजिटेबल्स डाल रखे हैं, तो एक बार मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखाता हूँ। ऐसे ही मेरे फ्राइज़ और इसको ट्राई करते हैं, मेरे फ्राइज़ भी बहुत अच्छे हैं, पेरी पेरी का फ्लेवर आ रहा है, एकदम क्रंची फ्राइज़ है भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ के मोमोज़, तो मैंने मम्मी के लिए हाफ प्लेट मोमोज पैक भी करा लिया टमी सेक्शन से, क्योंकि भाई मोमोज़ तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप सबको पता ही है कि मोमोज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मोमोज़ तो भर भर के खाता हूँ, और मैंने अपनी ड्रिंक भी बचा रखी थी पीने के लिए, तो अभी इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया। गाइज मज़ा आ गया खा के, गाइज मेरे को कमेंट करके बताना सबसे बड़ी आपको क्या लगा, मेरे को सारे आइटम एक नंबर लगे, सारी चीज़ ओपी थी, तो चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।